यारों आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ मैक्सिकन कॉर्न सैलेड, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल होगी, चटपटी स्पाइसी बटरी। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे भुट्टे के दाने यानी कि स्वीट कॉर्न कर्नल्स और इनको बटर के साथ करेंगे हम सौते। बटर को पहले हल्का सा मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम कॉर्न डालेंगे। अच्छा, ये सैलेड जो है वो बहुत क्विक रेसिपी है, 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। बटर मेल्ट होने के बाद गए भुट्टे के दाने। बटर के अंदर कॉर्न को हमें अच्छे से सौते करना है। एक्चुअली हमें यहाँ पे इनको बिल्कुल चार करना है। चार का मतलब होता है जब हल्के हल्के जो एजेस हैं वो ब्राउन होने लगेंगे ना, तब तक। एज यू कैन सी इनका जो रंग है ना वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे इसमें मैं डालूंगा जरा सा बिल्कुल जीरा बस और गार्लिक। टॉस कर लेंगे। जीरा और लहसुन ऐड करने के बाद बस 1 मिनट के लिए सौते किया, गैस की बंद और फौरन इसको ट्रांसफर कर लेंगे अलग बोल में। अब इसे बिल्कुल जरा सा ठंडा करेंगे और इसके अंदर जाएगी सबसे पहले सीजनिंग, नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, उसके साथ मेयोनीज 1 चम्मच भर के, कोई भी टमाटो केचप, टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, आप कोई भी सॉस इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अच्छा जी, मैक्सिकन खाना जो है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। अब अगेन स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं इसके अंदर 2 तरह की मिर्चें इसके अंदर डाल रहा हूँ। एक है हैलोपिनोस, तो ये गई हैलोपिनोस इसके अंदर, और उसके अलावा लाल मिर्चें, फ्रेश रेड चिलीज चॉप की हुई, चॉप्ड कोरिएंडर, लेमन जूस। अब थोड़ी सी इसे चीजी बनाते हैं। हालांकि इसके अंदर पार्मेजान चीज यूज होता है, बट आपके घर में जो भी चीज अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेट करके ऐड कर देना। अब इन सारी चीजों को हम कर देंगे मिक्स। तो क्विक एंड इजी मैक्सिकन कॉर्न सैलेड बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो इसे वार्म सर्व कर सकते हो या फिर बिल्कुल चिल करके। अब मैक्सिकन खाना है तो बगैर नाचोस के कैसे पॉसिबल है। थोड़े से नाचोस इसके ऊपर क्रश करके और एंड में स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, तो ये झटपट मैक्सिकन कॉर्न सैलेड वो भी स्ट्रीट स्टाइल में बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने खुद देखा इसे बनाना कितना ज्यादा आसान है। तो ये आप घर पे ट्राई करना और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये क्विक एंड ईजी सैलेड की रेसिपी कैसी लगी। और भी इसी तरीके की आसान रेसिपीज लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।